बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस नई पेंटिंग को रेट कीजिएगा, ये आपको कैसी लगी। लास्ट टाइम मैंने एक पेज पर एक ड्राफ्ट बनाया था इसका, और अब ये फाइनल हो चुकी है। इस पेंटिंग को बनाने का तरीका मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। पिछले हफ्ते से मेरा बड़ा मन था कि मैं नया ग्राफिटी वर्क तैयार करूँ, नई पेंटिंग बनाऊँ, लेकिन उर्दू बाज़ार कराची मेरा चक्कर नहीं लग पा रहा था। और पिछले दिन मुझे पता चला कि एक दोस्त चाह रहे हैं, तो फिर मैं उन्हीं के साथ चला गया, और उन्हें कुछ अपना काम करना था, तो मैंने फिर ये अपने कैनवस वगैरह लिए और जो ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया जी। तो गाइस, बिल्कुल न्यू कैनवस है हमारे पास, और इनको मैंने प्राइम पहले कर लिया था, और उसके बाद सबसे पहले हम ब्लैक कलर से शुरुआत करते हैं, और सामान बाकी मैंने रेडी रखा हुआ है, जो ज़रूरत के मुताबिक हम यूज़ करते रहेंगे। और अभी मैं शॉवर कर रहा हूँ इसको, सबसे पहले पानी के साथ इसको शॉवर कर लिया ताकि ये रेडी हो जाए कुछ, और अभी हम अपना ब्लैक कलर रेडी करने वाले हैं एक्रेलिक। और JTR वालों से माजरत के साथ, इस वक्त मैं उनका कप इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दरअसल मेरे पास इस वक्त कोई और पॉट नहीं था जिसमें मैं कलर रेडी कर पाता। जी, सबसे पहले मैंने अपने कैनवास को ब्लैक कर लिया, और उसके बाद चाक से उस पर ड्रा कर लिए अपना बॉर्डर, जो कुछ मैं आगे पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ उसका मैंने बॉर्डर रेडी कर लिए। ये सब इब्तदाई काम मैंने अपने रूम में बैठकर किए, और फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है, मुझे बाहर इंजॉय करना चाहिए, तो मैंने अपना सेटअप बाहर मूव किया। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम स्प्रे कर रहे हैं, रेड स्प्रे किया एक शेड क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अब हम सुकून से बैठकर इसके ऊपर कैलीग्राफी करते हैं। वाइट कलर मैंने रेडी कर लिया, और उसके ऊपर अब ग्राफिटी हम तैयार करेंगे। बड़े ही धीरे धीरे से मैंने इसको बनाया था। जो इसका रियल टाइम है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप्स ऐड किए, ताकि सिर्फ आइडिया हो जाए कि ये पेंटिंग बनाई किस तरह से गई थी। आप आइडिया लेकर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो मेरा ग्राफ्टी वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और उसके बाद जस्ट इसकी जो पूछ है वो रहती है, और उसके ऊपर मैंने कुछ लाइन्स ड्रा करके ये काम भी कम्प्लीट कर लिया। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप इसको देखिए और फिर बताइएगा कि ये आपको काम मेरा कैसा लगा। कराची में आजकल मौसम बहुत ही शानदार है, और इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक न्यू पेंटिंग भी क्रिएट कर ली। सब दोस्तों को सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तू मेरे बाद हुआ है तन्हा, तू मेरे बाद हुआ है तन्हा, मैं